गुड मॉर्निंग। फिर मैं आप सबके बीच वेक्टर एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम लाया हूँ। नाम है इसका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। फोर वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, उसको हम कैसे वेक्टर में प्रोडक्ट करेंगे। तो कहता है कि यदि ए बी सी और डी ये कोई चार वेक्टर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी, इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी को कहा जाता है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। किसका? फोर वेक्टर ए बी सी एंड डी का। इसको डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, और इसको लिखा जाता है, इसका वैल्यू होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल टू वेक्टर में, सब वेक्टर में है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर डी का ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ इनटू में सी वेक्टर है, फिर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और डी वेक्टर आपका इनटू में है। अब यहाँ ये देखना है ये कैसे आया, प्रूफ करने के लिए देता है। तो मान लीजिए आप कि लेट अस सपोज डैट, हम क्या किए, एज्यूम किए कि ये जो आपका ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इसका वैल्यू हम एम वेक्टर मान लिए। जब ये वेक्टर है तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो वही आएगा। फिर देखिए इसका वैल्यू क्या किया, हम लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है, ये लिखे लेफ्ट हैंड साइड, ये दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये हमारा है। इसका वैल्यू एम वेक्टर हम एज्यूम किए हैं यहाँ पे, क्रॉस में हो गया सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर ये। अब हमारे पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं तीन वेक्टर का कैसे करते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, मेरे वीडियो में दिया हुआ है। फिर देखिए इसको कैसे किए, इसका जो प्रोडक्ट किए हम, तो ये लिखेंगे इसको हम एम वेक्टर को डॉट किया जाता है किसके साथ, डी के साथ, और इनटू में रह गया आपका सी माइनस, फिर एम वेक्टर को डॉट किया जाता है सी वेक्टर के साथ और इनटू में रह गया डी वेक्टर। अब इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट में हैं, इसको अगर चेंज भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट में आप पड़े हैं, चेंज करने पे मैंने वेक्टर के पोजीशन को आपस में चेंज करने पे साइन चेंज नहीं होता है, यही रहा। अब क्या किए, इसमें हम एम का वैल्यू एम वेक्टर का वैल्यू रख दिए, तो ये हो गया आपका ये डी वेक्टर है, डॉट में एम वेक्टर क्या है आपका ए क्रॉस बी, वो रख दिए, इनटू में सी वेक्टर है माइनस, यहाँ सी वेक्टर है डॉट में एम का वैल्यू रखिए ए क्रॉस बी ये, इनटू में आपका डी वेक्टर है, कोई मतलब नहीं, वही रहा आपका। अब ये क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसको लिखेंगे तो ये डी ए बी ये आ गया, सी माइनस यहाँ पर भी सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और इनटू में रह गया आपका डी वेक्टर। और इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर क्या किए, तो ये ए लिखे पहले, फिर बी लिखे, फिर डी लिखे, कोई चेंज नहीं होगा आपका, ये सी, यहाँ पर भी ए लिखे पहले, बी लिखे बी वेक्टर और ये आप सी वेक्टर हैं, यहाँ पे आ गया डी। सब में बाबू वेक्टर आपको लिखना है, ये किसके बराबर है, तो ये आपका राइट हैंड साइड है, यानी कि आप देखे यहाँ पढ़े हम लोग कि ये जो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं चार वेक्टर का, वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं वो किस रूप में लिखा जाता है, तो वो होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, किसके, स्केलर प्रोडक्ट ए बी डी और इनटू में आपका सी, वैसा ही रहा वेक्टर। फिर स्केलर प्रोडक्ट होता है ए बी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और इनटू में आपका डी वेक्टर, वैसा ही रहा ये। इस प्रकार एक और नया थ्योरम हम पढ़े हैं वेक्टर एनालिसिस का। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नया इम्पोर्टेंट थ्योरम लाएंगे, तब तक के लिए बाय।